अस्सलाम वालेकुम। थोड़े दिनों बाद मैं ये वाला लेक्चर अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैं गला ख़राब था, मेरी आवाज़ बंद हो गई थी। तो अभी भी मेरी आवाज़ ख़राब है लेकिन थोड़ी सी बेटर हुई तो मैंने सोचा कि आज लेक्चर दे दूँ। तो इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एस सर्कल के कुछ रूल्स पढ़े थे कि एस सर्कल हम लोग कब यूज़ करते हैं। मतलब अगर एस स्ट्रोक्स हम लोग यूज़ करें ना, एस और जी के स्ट्रोक्स, तो वो लंबी आउटलाइन बनती थी हमारे पास। तो अपनी आउटलाइन को खूबसूरत बनाने के लिए हम लोगों ने सर्कल का इस्तेमाल किया था कि एस और जी की जगह सर्कल इस्तेमाल करेंगे हम लोग। और एक रूल पढ़ा था कि स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ हम लोग एंटी क्लॉकवाइज सर्कल लिखेंगे। इस तरह से था वो कुछ कि स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ हमारा सर्कल एंटी क्लॉकवाइज होगा और जो हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स होंगे, नेक्स्ट हमने रूल पढ़ा था कि जो हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स होंगे उनके साथ हमारा एस सर्कल जो है वो अपवर्ड सेट होगा। ये रूल हम लोगों ने पढ़े थे और आज हम लोगों ने अपने 1, 2 और 3, 4 4 रूल पढ़ने हैं। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि नेक्स्ट रूल्स में वो क्या कह रहे हैं। पहले रूल में वो ये कह रहे हैं कि जब दो हमारे पास स्ट्रेट स्ट्रोक्स आ जाएंगे, दो स्ट्रेट स्ट्रोक्स जब आ जाएंगे तो उनके साथ हम लोगों ने एस सर्कल जो है वो आउटसाइड पे आउटसाइड बनाना होगा, आउटसाइड एंगल पे। जैसे ये भी स्ट्रेट सर्कल स्ट्रोक है, ये भी स्ट्रेट है, तो इनके साथ हमने सर्कल जो है वो आउटसाइड पे बनाना है, ना कि इनसाइड। इनसाइड बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, आउटसाइड बनाएंगे तो सही होगा। ठीक है, इस तरह से लिखना होगा। जो टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स जब हमारे पास आएंगे तो हम लोगों ने एस सर्कल आउटसाइड पे लिखना होगा। जैसे कि एग्जांपल है डेस्क, DB और KB स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं तो सर्कल आउटसाइड है डिस्कस। DB और KB आउटसाइड सर्कल और साथ में लास्ट पे एस आ रहा है तो लास्ट पे एस सर्कल यूज कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट रूल वो ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हमारे पास वर्ड जो है वो एस सर्कल से स्टार्ट होगा, बिगनिंग ऑफ द वर्ड हमारे पास एस सर्कल से होगी, तो वो सिर्फ एस की साउंड देगा। कुछ एग्जांपल्स थी यहाँ पे, एग्जांपल मुझे नहीं मिल रही लेकिन हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जब शुरू में हमारे पास जो सर्कल आएगा ना वो सिर्फ हमें एस की साउंड देगा। ठीक है, और अगर एस सर्कल मिडल में या एंड में आ रहा है, एक वर्ड के मिडल में आ जाए या एंड में आ जाए, तो वो हमारे पास एस सर्कल की भी साउंड, सॉरी, एस की भी साउंड दे सकता है और जी की भी साउंड दे सकता है। ठीक है, याद रखनी है ये बात कि अगर वर्ड के स्टार्ट में एस सर्कल आ रहा हो तो वो सिर्फ एस की साउंड देगा, और अगर मिडल या एंड में आ रहा हो वर्ड के तो वो एस की भी साउंड दे सकते हैं और जी की भी साउंड दे सकते हैं। तो इसलिए फिर जब हमें हमारे पास कोई ऐसा वर्ड आएगा जो जेड से स्टार्ट हो रहा होगा,
जो जेड से स्टार्ट हो रहा होगा, तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, अपना जी वाला स्ट्रोक ही यूज़ करेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर जैसे जील है, जील को अगर हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं, तो हमने पढ़ा है कि स्टार्ट में ये सर्कल आएगा तो ये एस की साउंड देगा, तो ये जील की जगह ये सील बन जाएगा, ठीक है? तो शुरू में जब हमारे पास जी आएगा, तो उसके लिए हम लोग अपना जी स्ट्रोक ही यूज़ करेंगे। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है? जैसे कि वर्ड है जील, जी का स्ट्रोक यूज़ किया और एल यूज़ किया, सिंपल। जीरो, जी का स्ट्रोक और आर, ठीक है? बहुत आसान सी बात है, मुश्किल बात नहीं है ये, ठीक है? नेक्स्ट रूल जो है वो ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास एक कर्व स्ट्रोक होगा और उसके साथ हमारे पास एस सर्कल आ जाएगा, तो हमने आर को किस तरह से लिखना होगा। देखिए, अगर हमारे पास एक कर्व है, ठीक है, और उसके साथ है एक सर्कल, तो हम लोग ने आर को अपवर्ड लिखना होगा, ठीक है? कर्व के साथ एस सर्कल हो तो आर को अपवर्ड, ओके? जो हम लोगों ने आर के पिछले रूल्स पढ़े थे, उन सबको हम लोगों ने यहाँ पे इग्नोर कर लेना है, ठीक है? और सिर्फ एस सर्कल जब आएगा, तो ये वाला रूल हम लोगों ने याद रखना है, वो भी कर्व के साथ, ठीक है? कर्व के साथ अगर एस सर्कल आएगा, तो हम लोगों ने आर को अपवर्ड लिखना है। जैसे कि वर्ड है ऑफिसर, एफ का स्ट्रोक, सर्कल और आर को अपवर्ड लिख दिया, ठीक है? वर्ड है आंसर, एन का स्ट्रोक, सर्कल और आर को अपवर्ड लिख दिया, ठीक है? दूसरा वो क्या कह रहे हैं, अब एल के बारे में बता रहा है कि डा सॉरी एल को किस तरीके से यूज करना होगा। इसमें भी यही कह रहा है कि जब कर्व स्ट्रोक हो, उसके साथ एस सर्कल हो, तो हमने एल को डाउनवर्ड लिखना होगा, ठीक है? कर्व, सर्कल और फिर एल को डाउनवर्ड, ठीक है? एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो अपवर्ड आर है, ये किस सूरत में लिखना है अपवर्ड आर, कि जब सर्कल आफ्टर आफ्टर सर्कल, आफ्टर सर्कल हमारे पास जब आर आएगा, तो हम लोगों ने उसको अपवर्ड लिखना होगा। और एल के बारे में ये रूल है कि ये अगर हमारे पास सर्कल से पहले या सर्कल से बाद में आ जाए, तो हम लोगों ने दोनों सूरतों में एल को डाउनवर्ड लिखना होगा, ठीक है? स्टार्ट या फिर एंड, इन दोनों सूरतों में अगर एस सर्कल स्टार्ट होने से पहले भी अगर हमारे पास एल आ रहा है, और एस सर्कल एंड होने के बाद भी अगर एल आ रहा है, तो दोनों सूरतों में हम लोगों ने एल को डाउनवर्ड लिखना होगा, ठीक है? आर का रूल जो है वो सिर्फ एस सर्कल के बाद के लिए, ठीक है? मतलब एंड के लिए है, ठीक है? और डाउनवर्ड एल जो है वो दोनों के लिए, स्टार्ट के लिए भी और एंड के लिए भी। जैसे कि है वर्ड वेसल, वी का स्ट्रोक,
एल का स्ट्रोक डाउनवर्ड। लेसन, अब यहाँ पे देखें, लेसन एल स्टार्ट में आ रहा है और उसके बाद एस आ रहा है, मतलब एस के लिए हम लोग सर्कल यूज़ करेंगे ना, सर्कल यूज़ करेंगे तो सर्कल से पहले हमारे पास एल आ रहा है, तो हम लोग एल को फिर से डाउनवर्ड लिखेंगे, ठीक है। एल को डाउनवर्ड लिखा, सर्कल और एन का स्ट्रोक, सिंपल, ठीक है। इसी के साथ ही हमारा जो एस सर्कल था वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोग ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है कि पहले तो इन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है, अभी नोटबुक सॉरी बुक पे ना जो जो एग्जांपल्स गिवन होंगी और जो एक्सरसाइजेस होंगी उनकी 2-2 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है और मुझे होमवर्क जमा करवाना है। और दूसरा ये मैं कह रही हूँ, ये इस पेज का स्क्रीनशॉट लें। दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि अब मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड नहीं करूँगी कुछ दिन तक। तो इन दिनों में आप लोगों ने क्या करना होगा, इन दिनों में हम लोगों ने सिर्फ अपनी स्पीड पे फोकस करना होगा, ठीक है। सिर्फ हम लोगों ने अपनी स्पीड पे फोकस करना होगा। सॉरी, ये तो पिछला वाला पेज था, ये पिछले लेक्चर का पेज था, यहाँ से आज हम लोगों ने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। सॉरी, आप लोग एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आप लोगों को समझाती हूँ स्पीड कैसे बढ़ानी है। स्क्रीनशॉट लें और इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लें। चलिए, अब हम लोगों ने करना ये है कि स्पीड आप लोगों ने कैसे बढ़ानी होगी। मैं डेली आप लोगों को डिक्टेशन सेंड किया करूँगी, ठीक है, अपनी मैं रिकॉर्डिंग सेंड किया करूँगी और आप लोगों ने उस रिकॉर्डिंग के थ्रू अपनी स्पीड को तेज़ करना होगा। मुझे पता है आप लोगों की स्पीड अपनी, क्योंकि स्पीड के स्पीड पे हम लोगों ने फोकस नहीं किया ना, स्पीड तो आप लोगों की नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं जो डिक्टेशन सेंड करूँगी ना, वो आप लोगों ने मेरी रिकॉर्डिंग जो होगी वो स्टॉप करके नहीं लिखनी होगी, ठीक है। मेरी रिकॉर्डिंग प्ले पे लगी रहेगी, प्लेइंग पे, और आप लोग लिखते रहेंगे। अगर स्टॉप कर करके लिखेंगे ना तो इससे आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक ऐप है MX प्लेयर, वो आप लोग इंस्टॉल कर लें। उसमें ये ऑप्शन होता है कि आप स्पीड को स्लो भी कर सकते और स्पीड को तेज़ भी कर सकते हैं। तो अगर आप मेरी उस स्पीड से नहीं लिख पाएंगे जो मैं रिकॉर्डिंग सेंड करूँगी, तो आप लोगों ने क्या करना होगा कि मेरी जो रिकॉर्डिंग होगी ना उसकी स्पीड स्लो कर लेनी होगी, ठीक है। स्लो पे लगा के फिर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। लेकिन स्टॉप कर करके नहीं लिखना होगा। ये मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी समझा दूँगी, ठीक है। तो आज का काम आप लोगों का यही है कि बुक में जितनी भी एग्जांपल्स जो आज हम लोग ने 4 रूल्स पढ़े हैं, इन एग्जांपल्स की 2-2 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है और जो एक्सरसाइजेज हैं उनकी भी 2-2 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर अब हमारा तभी अपलोड होगा जब हमारी स्पीड सही हो जाएगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।